सुजानपुर टीरा के साथ लगते गांव जंगलबैरी में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एक तरफ प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ गांव के लोग भी उत्साह दिखा रहे हैं। एचडी की टीम ने जब गांव जंगलबैरी का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वैक्सीन लोग बड़े ही दिलचस्पी के साथ लगवा रहे हैं। लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा के द्वारा वैक्सीन लगवाने वाले हर ग्रामीण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गांव-गांव में तैनात डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि अपने परिवार की तरह ग्रामीणों का ध्यान रखते भी वे नजर आ रहे हैं। यदि किसी को वैक्सीनेशन के प्रति मन में कोई संशय बना हुआ है तो उस ग्रामीण को वे पूरी जानकारी भी मुहैया करवा रहे हैं, जिससे हाल ही में डॉक्टर के तबादले को लेकर भी प्रदेश सरकार ने लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन ग्रामीणों के रोष के बाद उनका तबादला रोक दिया गया था। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि वे डॉक्टर कम, उनके परिवार के सदस्य ज्यादा हैं। ये किस्सा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगल बैरी में देखने को मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि सुजानपुर के मरीज जंगल बैरी पहुंचकर अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और यही नहीं, कई दूसरे इलाकों से भी लोग विशेषकर यहां पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोविड-19 के इस वैक्सीनेशन के दौर में सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि इस वैश्विक महामारी के चलते जो है सरकार ने इतना बड़ा और इतना सही निर्णय लोगों के प्रति लिया है। और दूसरा, PSC जंगल बैरी के अंतर्गत आने वाली हर एक पंचायत से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि इस वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द लगवाएं और सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान को पूर्ण करें ताकि इस महामारी को रोका जाए और इसकी रोकथाम की जाए। सर, इसके लिए हम पहले से भी लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि कहीं भी वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं लोग तो सरकार द्वारा बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो है वो पालन किया जाए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बचाव हो सके और लोगों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए हम भी समय समय पर वहाँ जाते रहते हैं और उसका निरीक्षण करते रहते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा ने बताया कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो उचित दूरी बनाकर रखें और नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया गया है, जिसके लिए उन्होंने महामारी के दौरान डॉक्टरों की जान जाने पर भी दुख जताया और बताया कि आने वाले समय में लोगों की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही वैक्सीनेशन लग रही है, तो क्या कहेंगे आप, किस प्रकार लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा, मैं तो आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप वैक्सीनेशन लगवाने जरूर आए और वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं जो सरकार ने आपको मुहैया करवाई है, आपको मुफ्त में वैक्सीनेशन लग रही है। लेकिन मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं वैक्सीन लगवाने तो आप उन प्रोटोकॉल्स को ना तोड़ें जो कि हमने सरकार के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आपको दिए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। मैं देखता हूँ कि अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। मेरा लोगों से, मेरे अपने प्रदेशवासियों से यही आग्रह रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने इस दूरी को जरूर मेंटेन करें, क्योंकि जो हमारे को पहले भी कहा गया 6 गज की दूरी है ज़रूरी, तो वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसका कुछ महत्व है। हम चाहते हैं कि हम सभी इस बीमारी से बचें और इस बीमारी के लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं।